आखिर पेरेंट्स क्यों नहीं जीने देते अपने बच्चों को? क्या तकलीफ है अपने बच्चा से, अपने संतान से? अपनी जिंदगी तो जी लेते हैं, पर उनके बच्चों का क्या, उनके संतान का क्या? हाल ही में एक वाक्या निकल कर आती है, 12th क्लास की लड़की सुसाइड कर लेती है। आपको कोटा से इस बीच बता दे जहां पर कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कमिंग इन एंड दिस इज अगेन फ्रॉम कोटा, व्हाट लेफ्ट बिहाइंड अ सुसाइड नोट एसेंशियली। और वो अपने सुसाइड नोट पर अपने सुसाइड का कारण बताती है, मम्मी पापा आई कांट टू जेई, मैं जेई का एग्जाम नहीं दे सकता, मैं जेई क्रैक नहीं कर सकता, सो आई सुसाइड, मैं मरने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगली लाइन लिखती है, आई एम लूजर। समझिए 12th क्लास की लड़की, पूरी जिंदगी बाकी है जीने के लिए, लेकिन अभी उसने क्या लिखा, आई एम लूजर, मैं लूजर हूँ। और अगली लाइन इतनी दर्दनाक है कि आप सोचिए मत, आई एम मोस्ट डाउटर, मैं दुनिया की सबसे गंदी बेटी हूँ, सबसे नालायक बेटी हूँ। आखिरी लाइन लिखती है, मम्मी पापा सॉरी, मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर कब तक चलेगा ये सब? मेरा सवाल पेरेंट्स से है, पापा बोलते हैं कि बेटा मन लगाकर पढ़ाई करना, फलाने भैया को देख रहे हो ना, डॉक्टर बन गए हैं। मन लगाकर पढ़ने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये कैसा तरीका है कि फलाने भैया डॉक्टर बन गए हैं? कहीं पेरेंट्स ये तो नहीं कह रहे अपने बच्चों से कि मन लगाकर पढ़ने से डॉक्टर बनते हैं, लगाकर पढ़ने से इंजीनियर बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं? यह एक बहुत बड़ी कारण है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं झेल पाते भाई इतना ज्यादा दबाव। शुरू से ही कहा जाता है, समझ रहे हो ना कितना मेहनत से पैसा आ रहा है, कैसे हम तुझे पढ़ा रहे हैं, कैसे तुम्हें हम ये करा रहे हैं, कैसे तुम्हें हम वो करा रहे हैं। तो मत कीजिए मेहनत के पैसे बर्बाद, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अपने सपने को अपने बच्चे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं जबरदस्ती? आप मानिए या ना मानिए, सारे पेरेंट्स को पता होता है कि कौन बच्चा मन से पढ़ाई कर रहा है और कौन बच्चा जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है। सिर्फ पेरेंट्स के दबाव के कारण वो पढ़ना ही चाहता है, कुछ और करना चाहता है, लेकिन नहीं, तुम पढ़ो, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, कौन कह दिया भाई? और ये सत्य है, 90% केस में ऐसा ही होता है, बच्चे जबरदस्ती उस रास्ता पे चल रहे होते हैं, उस रास्ता पे चल रहे होते हैं जो रास्ता उनके लिए नहीं बना होता है। फिर भी आधे मन से कहिए या पूरे मन से कहिए, बच्चा कर रहा होता है अपना काम, लेकिन पेरेंट्स फिर बीच में आ जाते हैं, बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तुम्हारा लक्षण ही सही नहीं है। अब बच्चा समझ नहीं पाता, कुछ करो तो शिकायत, कुछ ना करो तो भी शिकायत, क्या करे भाई आखिर हम? अंत में बच्चा परेशान होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा उद्दंड हो गया है, हाथ से निकल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये हमारी ओपिनियन थी, और मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखा हूँ, जो कुछ भी अनुभव किया हूँ, उसका जिक्र कर रहा था आप लोगों के सामने। यदि मैं गलत हूँ तो कॉमेंट में लिखे कि मैं क्यों गलत हूँ।